हेलो स्टूडेंट, मैं आर एस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 12th क्लास के मैथ्स बुक के जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में मैं सबसे पहले ये बता दूँ, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रो एक कॉलम। जो मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है जो इधर से ऐसे जाता है इसे हम लोग बोलते हैं रो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो ऐसे ऐसे जाता है इसे हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे अब। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ रो एंड कॉलम। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ काउंट कर लेंगे कितना रो है कितना कॉलम। देखिए 1, 2, 3, कितने रो हो गए 3, कितने कॉलम है ये देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा रो इंटू कॉलम, मतलब 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अब सेकेंड देखेंगे, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब होता है कि हमारे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए उनको काउंट करना। तो यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब थर्ड को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन 1/3। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है 19। तो हो जाएगा इसका आंसर 19। आगे है ए ट्वेंटी वन, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 35। आगे ए 33, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, क्या है ए 24, मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। आगे है ए 23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। आप मैट्रिक्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर कहीं भी ऐसा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब होता है रो, इसका मतलब होता है कॉलम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।